डॉक्टरों की कमी और स्वास्थ्य सुविधा में विस्तार के लिए स्वास्थ्य विभाग की पहल रंग ला रही है। इसी के तहत बेकाहारा हॉस्पिटल में बने टेली मेडिसिन सेंटर में रोज अलग अलग विशेषज्ञ आ रहे हैं और प्रदेश के सभी कोविड अस्पतालों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दे रहे हैं और इसी के तहत आगे चलकर सभी अस्पतालों सहित स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक केंद्रों को जोड़ा जाएगा। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने टेलीमेडिसिन सेंटर का उद्घाटन किया है और ये किस तरह से संचालित हो रहा है यहाँ कहूंगा कि ये दिखाई कि इसको एक स्टूडियो के रूप में डेवलप किया गया है जहाँ पे इंटरनेट के माध्यम से पूरे प्रदेश को जोड़ा गया है। यहाँ एक जगह बैठ के डॉक्टरों के अनुभव पूरे राज्य में पहुंचाया जा सकता है और उनकी जो अनुभव है उसका फायदा लिया जा सकता है। यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से यहाँ पे काम पे लगे हुए हैं। सर, हम आप लोग से ये जानना चाहेंगे कि इसका फायदा कैसे लिया जा रहा है और आप लोग कैसे जुड़ते हैं पूरे प्रदेश में? हम लोग स्काइपी के माध्यम से पूरे प्रदेश के जितने भी मेडिकल कॉलेज है, सीएचसी है, कोविड केयर सेंटर है, सभी मतलब हॉस्पिटल्स में जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके पेशेंट्स के डिटेल लेते हैं, उनके विषय में पूछते हैं कि कैसा है, नहीं है, ऑक्सीजन क्या है। उनके माध्यम को कोई भी अगर उनको कष्ट रहता है, कोई भी प्रकार का तकलीफ रहता है पेशेंट को, जिसको कि वहाँ लोकल स्तर पे नहीं किया जा सकता, उसके विषय में हम जानकारी देते हैं कि क्या। जैसे कि ये पूरा नेट पे बेस्ड है तो हम बात करें बस्तर क्षेत्र की जी। तो वहाँ पे नेट कमजोर है, ऐसी स्थिति में कोई वैकल्पिक व्यवस्था है जिससे आप जुड़ सकें? जैसे अन्य जिलों को तो इसका फायदा मिलेगा जहाँ नेट है, जहाँ नहीं है उसके लिए नहीं? अभी तक तो हमको ऐसा कहीं नहीं मिला है कि जहाँ नेट नहीं है, लेकिन जहाँ पे भी नेट है वहीं बेहतर सुविधा दिया जा सकता है क्योंकि ये टेलीफोनिकली है, ये वायरलेस माध्यम है। और नॉन नेट में हम मेडिकल कॉलेज जैसे जगदलपुर है वहां पर जानकारी दे देते हैं, वहां वाले दैट दे एक्ट एज अ सब सेंटर, यानी वो भी अपने क्षेत्र में जहाँ नेट नहीं होगा वहां पर उन लोग हेल्प करने के लिए रहते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये कितने कोविड सेंटर में कनेक्टेड है? प्रदेश के पहले ही बता दिए, कोविड सेंटर के अलावा ये कहा जा रहा है कि सभी हॉस्पिटल से जुड़े हैं, तो क्या किस तरह से सेवा दे रहे हैं? देखिए, अभी हमने हॉस्पिटल्स को दो लेवल में डिवाइड किया हुआ है कोविड के लिए। एक है डीसीएच या डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स और दूसरे है कोविड केयर सेंटर्स। पहला तो आपस में नॉलेज को शेयर कर सके, हम अपने एक्सपीरियंसेस, क्योंकि ये नई बीमारी है, हर कोई ये चीज पहली बार देख रहा है, इसमें हर लोग हर सेंटर में एक अलग परेशानी उभर के आती है, तो आपस में डिस्कस करते हैं, हम अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, वो अपनी परेशानियां हमको बताते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जहां नेट है वहां पे इसकी व्यवस्था, जो व्यवस्था की गई है उसका फायदा मिलेगा, लेकिन जहां नहीं है उसके लिए विकल्प नहीं है। लेकिन ये एक व्यवस्था को बनाने के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था को विस्तार करने के लिए एक अच्छा पहल है। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्यराज कुश, स्वराज एक्सप्रेस।